हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर फियरलेस एंड फेयरफुल। सो दिस इज पार्ट वन। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एंड प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। फियरलेस एंड फेयरफुल। फियरलेस मीन्स निडर एंड फेयरफुल मीन्स भरोसेमंद। सो लेट्स स्टार्ट। Long ago, there lived a bold and fearless little girl in Bhojla village in Uttar Pradesh. तो बहुत समय पहले की बात है, उत्तर प्रदेश में एक विलेज है, गांव है जिसका नाम है भोजला। वहां एक छोटी सी लड़की रहती थी जो कि बहुत ही बोल्ड और फेयरलेस थी। मीन्स वो किसी से डरती नहीं थी, बहुत फ्रैंक थी, बहुत बोल्ड और फेयरलेस थी। Her parents had died when she was very young and she lived with her relatives. जब वो बहुत छोटी थी तभी उसके माता पिता जो है वो मर चुके थे और वो अपने रिश्तेदारों के साथ रहती थी। She loved to climb trees and swim in the river. उसे पेड़ों पर चढ़ना और नदियों में तैरना काफी अच्छा लगता था। She was also a willing worker and could stand long hours of strain and hardship. Strain means effort needed for hard work. Hard work के लिए जो effort की जरूरत होती है उसे strain कहते हैं। तो वो जो छोटी सी बच्ची थी वो एक willing worker थी, मतलब उसे काम करना अच्छा लगता था और वो काफी लंबे समय तक strain में और hardship में भी काम कर सकती थी। The villagers liked her for she was good-natured. जो villagers थे वो उसे पसंद करते थे क्योंकि वो काफी अच्छे नेचर की थी, उसका स्वभाव काफी अच्छा था। Once when a leopard had attacked her, the girl had fought it single-handedly and killed it with nothing more than a study stick. Single-handedly means without any help from others, बिना दूसरों की सहायता के, and study means strong. तो एक बार क्या होता है कि एक leopard यानी कि एक तेंदुआ उस पर अटैक करता है और वो लड़की बिना किसी की मदद के, सिंगल हैंडेडली मीन्स बिना किसी की मदद के, बिना किसी की सहायता के, बस एक स्टडी से, एक स्ट्रॉन्ग से स्टिक से ही उस लिपट को मार देती है। आफ्टर दैट शी वॉज निकनेम्ड झलकारी मीनिंग द टाइग्रेस, और उसी के बाद उसका नाम पड़ता है झलकारी। झलकारी मीन्स टाइग्रेस। When Jhalkari grew up, she got married to a soldier in the army of Rani Lakshmi and went away to live with him in Jhansi. तो जब झलकारी जो है वो बड़ी हुई तो रानी लक्ष्मी बाई के आर्मी में एक सोल्जर था जिससे उसकी शादी हुई और वो शादी के बाद झांसी चले गए रहने के लिए। That was how the Rani chanced to see her one day. तो जब झलकारी जो है वो शादी करके झांसी चले गई तभी एक दिन रानी लक्ष्मी बाई ने उसे देखा। She shall be my companion, the Rani ordered. For she liked the girl's frank and fearless manner. Manner means a person's way of behaving. इंसान के बिहेव करने का जो तरीका होता है उसे मैनर कहते हैं। तो जब रानी लक्ष्मी बाई ने झलकारी को देखा तो रानी लक्ष्मी बाई को झलकारी का फ्रैंक और फियरलेस जो मैनर था वो काफी पसंद आया और तभी रानी लक्ष्मी बाई ने ये ऑर्डर दिया कि इसे मेरा कंपेनियन होना चाहिए, मतलब इसे मेरा साथी होना चाहिए। They became good friends and every day the two young women went out riding together. और वो दोनों जो है मीन्स रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी ये दोनों काफी अच्छी दोस्त बन गई और वो लोग साथ में राइडिंग करने जाती थी। दे फेंस्ड, रिसर्च एंड प्रैक्टिस्ड शूटिंग विद रिवॉल्वर्स एंड गन्स। फेंस्ड मीन्स फाउट विद लॉन्ग थिन स्वॉर्ड्स। लंबे से पतले से तलवार होते हैं उनसे जो लड़ाई की जाती है उसे फेंस्ड कहते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी ये लोग दोनों साथ में फेंसिंग करती, रेसलिंग करती और साथ ही साथ रिवॉल्वर्स एंड गन्स की शूटिंग की प्रैक्टिस भी करती थी। Those were troubled times and everywhere there were rumors of war. Troubled means with problems and difficulties. परेशानियां जिसे कि trouble कहते हैं। तो वो जो वक्त था वो काफी मुश्किल वाला वक्त था। उस वक्त हर जगह बस एक ही rumor था, एक ही अफवाह थी। वो अफवाह किस चीज की थी? वो अफवाह थी war की, means जंग की। The British had expanded their territory in India. Expanded their territory means conquered and ruled more places. तो उस समय जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, उन्होंने इंडिया के काफी सारे जगहों पर अपना कब्जा जमा लिया था। They had a trading company called the East India Company. Trading company means a company that buys and sells things and services. वैसी कंपनी जो कि चीजें और सेवाओं का खरीद फरोख्त करती है, मींस बाय एंड सेल करती है, उसे ट्रेडिंग कंपनी कहते हैं। तो अंग्रेजों की एक ट्रेडिंग कंपनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इट्स ऑफिसर्स रूल्ड द पीपल ऑफ द लैंड हार्शली, और इस कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो इंडिया के लोगों पर काफी बुरी तरह से
रूल करते थे। इन 1857 फाइटिंग ब्रोक आउट ऑल ओवर द कंट्री। 1857 में पूरे देश में लड़ाई हो गई। एवरीवेयर द पीपल रोज इन रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूलर्स। रोज इन रिबेलियन मीन्स फाउट अगेंस्ट द गवर्नमेंट हियर द ब्रिटिश। सरकार के खिलाफ खड़े हो जाना, सरकार के खिलाफ लड़ना, उसे रोज इन रिबेलियन कहते हैं। तो जब हर जगह पूरे कंट्री में फाइट होने लगी तो हर जगह के लोग, इंडिया के जो लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, वो लोग अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए, उनसे जंग के लिए खड़े हो गए। द ब्रिटिश फाउट बैक एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड ऑन बोथ साइड्स। तो इसमें ब्रिटिशर्स ने भी फाउट बैक किया और इस जंग में मीन्स जो भारतीय लोगों और अंग्रेजों के बीच की जो जंग थी, इस जंग में दोनों ही तरफ के हजारों लोग मारे गए। इन मार्च 1858 द ब्रिटिश ट्रूप्स अटैक द फोर्ट एट झांसी। मार्च 1858 में अंग्रेजों की जो सेना थी, अंग्रेजों की सेना ने झांसी के फोर्ट पर यानी कि झांसी के किले पर हमला कर दिया। देयर हैवी गन्स बॉम्बार्डेड इट। बॉम्बार्डेड मीन्स कंटिन्यूअसली अटैक द प्लेस विद गन्स बॉम्ब्स एंड कैनन्स। तो गन्स बॉम्ब्स और कैनन से किसी एक प्लेस पर कंटिन्यूअसली अटैक करना उसे बॉम्बार्डमेंट कहते हैं। तो 1858 में जब अंग्रेजों की सेना ने झांसी के फोर्ट पर अटैक किया तो उन लोगों ने अपनी हैवी गन से कंटिन्यूअसली, वो लोग काफी देर तक कंटिन्यूअसली फोर्ट पर अटैक करते रहे। द रानी स्ट्रूप फाउट बैक ब्रेवली। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की जो सेना थी उन लोगों ने भी काफी ब्रेवली पलटवार किया। अमंग देम वाज झलकारी, और उस सेना में झलकारी भी थी। नेवर वंस लीविंग हर बिलव्ड क्वीन साइड शी रोड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर फायरिंग एट द ब्रिटिश सोल्जर्स विद अ स्टेडी हैंड एंड अ श्योर एम। और जो झलकारी थी वो एक पल के लिए भी रानी लक्ष्मीबाई को अकेला नहीं छोड़े और वो काफी स्टेडी हैंड के साथ और काफी श्योर एम के साथ ब्रिटिश सोल्जर्स पर फायरिंग कर रही थी। द एनिमी फेल बैक, दे हैड नॉट एक्सपेक्टेड सच अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस ऑफ द फोर्ट। तो जो एनिमी थे, मीन्स जो अंग्रेज थे, वो पीछे हट गए क्योंकि उन लोगों ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फोर्ट के अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग डिफेंस होगा, मीन्स उधर से इतना स्ट्रॉन्ग पलटवार होगा। द ब्रिटिश कमांडर टेलीग्राफ्ड फॉर हेल्प एंड मोर ट्रूप्स कम रशिंग इन। टेलीग्राफ्ड मीन्स यूज्ड अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग अ मैसेज लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू एन इलेक्ट्रिक डिवाइस। तो टेलीग्राफ जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें लॉन्ग डिस्टेंस में एक इलेक्ट्रिक डिवाइस के थ्रू मैसेज ट्रांसमिट किया जाता है। तो जब ब्रिटिश सोल्जर्स ने देखा कि ये फोर्ट से काफी तगड़ा, काफी स्ट्रॉन्ग पलटवार हो रहा है तो ब्रिटिश कमांडर ने हेल्प के लिए टेलीग्राफ किया और उसके बाद और ज्यादा जो सोल्जर्स थे, मीन्स और सेना जो है वो आई। बट द रानी आर्मी स्टिल हेल्ड ऑन। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की जो आर्मी थी वो अभी भी डटकर खड़ी हुई थी। व्हेन द ब्रिटिश फाउंड दैट दे कुड make no progress, they decided to gain entry into the fort at night by stealth. Stealth means secretly, means चोरी छुपे। तो जब अंग्रेजों को ये लगा कि उन्हें कोई प्रोग्रेस नहीं मिल रहा है, मतलब वो सफल नहीं हो रहे हैं इस चीज में, तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि इसे अभी छोड़ देते हैं, अभी रहने देते हैं। और उन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हम लोग चोरी छुपे रात में सीक्रेट तरीके से फोर्ट के अंदर एंटर करेंगे। दे ब्राइब्ड अ मैन नेम्ड दुलाजी ठाकुर हु वाज इन चार्ज ऑफ द साउथ गेट ऑफ द फोर्ट। ब्राइब्ड मींस गिव हिम अ गिफ्ट और अ मनी टू हेल्प देम बाय डिसऑनेस्ट, मींस एक तरह की रिश्वत, मींस पैसे देकर कोई इल्लीगल काम करवाना, कोई गलत काम करवाना, रिश्वत देना, उसे ही ब्राइब कहते हैं। तो अंग्रेजों ने क्या दिमाग लगाया, फोर्ट का जो साउथ गेट था, रानी लक्ष्मीबाई के फोर्ट का जो साउथ गेट था उसका इंचार्ज था दुलाजी ठाकुर। तो उन लोगों ने दुलाजी ठाकुर को रिश्वत दिए, कुछ लालच दिया पैसों का, सो दैट वो अंग्रेजों की मदद कर सके चोरी छुपे साउथ गेट से किले के अंदर घुसने में। सो दैट्स ऑल, होप आपको यहाँ तक चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अगर आपका भी कुछ डाउट्स है देन गो थ्रू द वीडियो वन मोर टाइम। हाफ ऑफ द चैप्टर आई विल अपलोड इन माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। Till then, bye.